तमाम उम्मीदें और कलाकारों को मंच प्रदान करते हुए गोरखपुर महोत्सव का गुरुवार को समापन हो गया। महोत्सव में जहां 11 जनवरी से 13 जनवरी तक मुख्य मंच पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकारों ने अपनी आवाज की जादू से दर्शकों का मनोरंजन किया, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह, शारदा सिन्हा, सुरेश वाडेकर, मोहित चौहान शामिल रहे। वहीं स्कूली छात्रों तथा स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया। 13 जनवरी को मुख्य मंच पर कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। उसी के साथ महोत्सव में लगे शिल्प मेले का भी गुरुवार को समापन हो गया, जिसको लेकर महोत्सव समिति के अध्यक्ष और गोरखपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजन समिति के सदस्यों और पूरे दिन रात एक करके महोत्सव को संपन्न कराने पर उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से आयोजन समिति और गोरखपुर की जनता को बधाई देते हुए मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने कहा, देखिए मेरे विचार से जो महोत्सव से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इसके आयोजन में सहभागिता की, सारी जिम्मेदारियां निभाई, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जो गोरखपुर के लोग हैं, निवासी हैं, और जिन्होंने महोत्सव में अपनी सहभागिता की, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में महोत्सव और अच्छे से आयोजित किया जाता रहेगा।